हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया पार्सल आया हुआ है अमेज़ॉन से। तो ये जो पार्सल है उसके बारे में आज बात होने वाली, अनबॉक्सिंग होगा और इंस्टॉलेशन होगा। और ये चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है हेलमेट का माउंट, वो आपको हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, हुआ था ये कि मेरी बाइक का माउंट निकल गया था, जो चेन माउंट आपको मैंने दिखा था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा तो ये वाला वीडियो जाके देख लो, ऊपर आई बटन पे लिंक लगा दिया मैंने। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे चेन माउंट का क्या हाल हुआ था। तो अभी आपने दूसरा ऑप्शन निकाला है चेन माउंट के लिए, और वो चेन माउंट है इसके अंदर। तो चलिए करते हैं अनबॉक्स। तो ये आ गया आपका पैकेज, और करते हैं इसको अभी अनबॉक्स। तो जैसे कि आपको पता है, अनबॉक्सिंग हमेशा होता है अपनी ये छुरी से। तो ये है अपना माउंट, जो कि है ब्लू आर्मर का। अगर आपको याद ना हो तो मैं ऊपर यहाँ पर लिंक डाल रहा हूँ, वो देख लेना वो कौन सी कंपनी है। तो वहाँ से मंगवाया ये माउंट, 400 रुपये का माउंट है। पर उसका जो प्राइस अपने को जो पड़ा है, हाँ 400 रुपये ही है। तो बेंगलोर की कंपनी है और अंदर एक मैनुअल भी दिया है। और ये रहा अपना माउंट, ये पूरा फ्लेक्सिबल है। तो ये कुछ इस हिसाब का प्रोडक्ट है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कांटेक्ट कर लेंगे। अभी निकालते हैं प्रोडक्ट को। तो ये इस तरह का माउंट है, और ये फ्लेक्सिबल बेल्ट्स है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, वन टाइम यूज ओनली। और यहाँ पे पीछे 3M टेप लगाई हुई है। तो मतलब ये हेलमेट का जो अपना शेप हमेशा अलग अलग होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपना हेलमेट है SMK का, और SMK का जो हेलमेट है वो वैसे भी फ्लैट नहीं है, तो उस पर ट्राई करते हैं, पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं अभी इसका इंस्टॉलेशन। तो ये फिट होगा कुछ इस तरह से। तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है वैसे तो। इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में ही पता चलेगा। तो करते हैं अभी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कितना है दम। तो लेट्स बिगिन विद द इंस्टॉलेशन। इसको लगाएंगे यहाँ पे, तो अपना चिन माउंट बन जाएगा कंप्लीट। ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। वैसे यहाँ पे एरोस दिए हुए हैं अप साइड ऐसे करके। वो ये जो यहाँ पे सब पुराने माउंट का थोड़ा बहुत बचा कुचा लगा हुआ है, उसको साफ करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। उसके बाद में हम लोग ये वाला माउंट लगाएंगे, क्योंकि अगर ये सब थोड़ा रह जाएगा ना तो अच्छे से चिपकेगा नहीं। वैसे तो इसमें आधा ही है, यहाँ पर 3M का टेप नहीं लगा है, सिर्फ ऊपर के पट्टी में ही लगा हुआ है। तो एनीवेज पहले उसको साफ करते, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो ये भी क्लीन हो चुका है, टेप माउंट को लगाएंगे।
फाइनली निकल चुका है, बहुत मेहनत मांगता है ये चीज़, तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसे दो अलग अलग थोड़ी मतलब उबड़ खाबड़ होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको करते हैं माउंट। ये अभी माउंट हो चुका है, सही लग रहा तो ये माउंट हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अभी इसको जाएंगे टेस्ट करना। तो अभी करते हैं इसको टेस्ट और आगे की बात बताएंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं उसके बाद।